गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इसमें इस वीडियो में मैं बिहार करंट अफेयर्स आप लोगों को लाया हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार का लार्जेस्ट बॉटलिंग प्लांट, ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो बिहार का लार्जेस्ट बॉटलिंग प्लांट होता है क्या है ना, जहां तुम्हारा बेवरेजेस को रखा जाता है खाली बॉटल में। बॉटलिंग प्लांट वही होता है वेयर बेवरेजेस आर पुट इनटू बॉटल विद कैप। और बेवरेजेस होता क्या है सर? बेवरेजेस वही होता है सर, ऑल एडिबल ड्रिंक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल टी टू कॉफी होता है, वेरियस जूसेस होता है, कॉकटेल होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है। ये सब हम लोग बेवरेजेस के अंदर में आएगा। तो ये स्टैब्लिश कहाँ हो रहा है? बेगूसराय में हो रहा है। बेगूसराय में कहाँ? एक बरौनी एक जगह है, बरौनी, BARAUNI, बरौनी, यहाँ स्टैब्लिश हो रहा है। आया समझ में? चलो, हमारे CM नीतीश कुमार ने स्टैब्लिश किया गया लार्जेस्ट बेवरेजिंग बॉटलिंग प्लांट नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये बरौनी में स्टैब्लिश किया गया है। और इसको स्टैब्लिश करने वाला कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये कंपनी स्टैब्लिश कर रही है। चलो, रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली G20 लेबर समिट हुआ है। ये कहाँ हुआ है? हमारा सिटी पटना में हुआ है। ठीक है, ये June 21 और 23 का न्यूज है। इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ वर्कर का जिक्र किया गया है, अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जिक्र किया गया है और एक टास्क फोर्स बनाया गया है वुमेन्स एंड फ्यूचर रिलेटेड वर्क के लिए। सबसे पहला आओ देखते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं, बात किया गया इजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी फंड के बारे में बात किया गया है। जैसे इजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है? बहुत सारी गवर्नमेंट है, बहुत सारी कंट्री है, उसका गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है अपने वर्कर के लिए। तो वो पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स बनाती है अपने वर्कर के लिए, तो वो इजीली अवेलेबल हो पाए वर्कर को, ये ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री योजना अटल पेंशन योजना, इन सब जितना भी योजना है ये सब क्या होती है, ईजिली अवेलेबल हो पाए हमारे वर्कर को। सबसे पहला बात। दूसरा बात किया गया अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यही बात किया गया है, हाईलाइटिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात किया है, सच एज इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब लेबर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इंक्रीज द ग्रोथ इनकम होगा, इंक्रीज इन ग्रोथ इनकम बेटर लाइफ स्टैंडर्ड लिविंग होगा, सबसे पहला बात। और इस G20 लेबर मीटिंग में एक टास्क फोर्स स्टैब्लिश किया गया है जो चेकआउट रखेगा, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कहाँ? इन द प्राइवेट सेक्टर एंड प्रमोट द लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात किया गया। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? बिहार का रैंक क्या है डोमेस्टिक वायलेंस में? बिहार गॉट रैंक सेकेंड। रिसेंटली हुआ क्या है, एक रिपोर्ट रिलीज किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बताया गया है कि बिहार रैंक सेकेंड टू कर्नाटका इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और जो सबसे कम जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वो हमारा लक्षद्वीप है। कहाँ है? लक्षद्वीप में सबसे कम हुआ है 2.1% का, सबसे लोवेस्ट है, लोवेस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। चलो देखते हैं, रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में निकाला है, उन्होंने देखा है कि कर्नाटक में 48% केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सेकेंड हमारा प्यारा इंडिया में बिहार में हो रहा है, और सबसे कम कहाँ हो रहा है? लक्षद्वीप, विच हैज़ अ लोवेस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2.1%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द रिंग रोड विल बी एस्टैब्लिश्ड, रिंग रोड वुड बी बिल्ड इन बिहार। तो हमारा आंसर है मोर देन वन,
हमारा गया में भी स्टैब्लिश होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, दरभंगा में और भागलपुर में। और मैं कुछ एडिशनल पॉइंट लाऊं, देखो रिंग रोड स्टैब्लिश प्रपोज हुआ है गया में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, भागलपुर में। और जो गया है, गया को इंटरनेशनल रिलीजियस कैपिटल बोला गया, इंटरनेशनल रिलीजियस एंड टूरिस्ट इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। और ये तुम्हारा सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार है गया। दरभंगा हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार है एंड उसको कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट बोन हॉस्पिटल ये तुम्हारा बिल्ड हो रहा है। ये बिल्ड कहाँ हो रहा है? पटना में बिल्ड हो रहा है, पटना बिहार में बिल्ड हो रहा है। इसका कैपेसिटी क्या है? अराउंड 400 बेड होगा इसमें। और इसका बन जाने से क्या होगा ना, आफ्टर इट कंस्ट्रक्शन क्या होगा, पेशेंट विल नॉट हैव टू वंडर हियर एंड देयर, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ मॉडर्न फैसिलिटी जो अवेलेबल होगा वो अंडर द रूफ ही अवेलेबल होगा, सच एज ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज लाइक अवेलेबल, यानी अल्ट्रासोनिक हो गया, डिजिटल एक्सरे हो गया, MRI हो गया, सिटी स्कैन हो गया, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड होगा। देखो यहाँ लिखा क्या है, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन क्या होगा, पेशेंट विल नॉट हैव टू वंडर हियर एंड देयर, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटी, मॉडर्न फैसिलिटी विल बी अवेलेबल हियर अंडर वन रूफ। सेकेंड क्या होगा, एंड इट इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, सबसे पहला बात। प्रोविजन क्या होगा, OT एंड CT स्कैन होगा, अल्ट्रासोनिक होगा, डिजिटल एक्सरे होगा, MRI होगा, ये सब जितना भी होगा ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सेकेंडली इसमें ये भी बात किया गया है कि बिगर हॉस्पिटल मोर देन 400 बेड एक स्टैब्लिश है हमारा गुरुग्राम हरियाणा में, स्टैब्लिश है जो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट बोन हॉस्पिटल। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग 78,220 तिरंगा हैज बीन सेटअप, मतलब इस जगह कौन सा ऐसा जगह है बिहार में जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है होस्टिंग, ये होस्ट किया जा रहा है तिरंगा को, होस्ट तो IST होस्ट होस्ट किया जाता है तिरंगा को, 78,220 तिरंगा को इस्टेब्लिश किया, होस्ट किया जा रहा है, कौन सा जगह? तो हमारा जगदीशपुर है, वीर कुंवर सिंह यहाँ से बिलोंग करते हैं, याद आया, वीर कुंवर सिंह। रिसेंटली क्या हुआ, उनका 164 डेथ एनिवर्सरी हुआ था, वॉज ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव को स्टैब्लिश किया गया था। इसमें 78,200 तिरंगा को जगदीशपुर इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट होस्ट, मतलब होस्ट किया गया था। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्लेस फ्लोटिंग सोलर पार्क प्लांट विल बी सेटअप, अगर बिहार में कौन सा है प्लेस है जहाँ फ्लोटिंग सोलर पार्क विल बी स्टैब्लिश, तो हमारा आंसर है ई, मोर देन वन। ये हमारा फुलवरिया में भी स्टैब्लिश होगा और दुर्गावती में भी होगा। आया समझ में? फुलवरिया में भी होगा और दुर्गावती में भी होगा। फुलवरिया में स्टैब्लिश होगा 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, 20 मेगावाट का, और दुर्गावती में होगा तुम्हारा 30 मेगावाट का। ये दोनों कहाँ पड़ता है? ये दोनों हमारा नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नवादा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नवादा में पड़ता है। कोई प्रॉब्लम? चलो यहाँ देखो, नवादा एक जगह है, नवादा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तुम्हारा स्टैब्लिश होगा फुलवरिया एंड दुर्गावती में। फुलवरिया में कितना स्टैब्लिश हो रहा है? 20 मेगावाट का होगा, और दुर्गावती में कितना हो रहा है? 30 मेगावाट का। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। बिहार ओवरटेक किया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री फॉर दिस मशरूम प्रोडक्शन के लिए, तो हमारा आंसर है उड़ीसा। हमारा आंसर क्या है? बिहार बिकम द लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री बाय प्रोड्यूसिंग 28,000 टन, बाय प्रोड्यूसिंग 28,000 टन ऑफ मशरूम 2021 टू 2022 में इतना प्रोडक्शन हुआ है मशरूम का। अर्लियर क्या था? अर्लियर ओडिशा वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओडिशा वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मशरूम। देखो ओडिशा वाज रैंक फर्स्ट इन द मशरूम प्रोडक्शन, बट नाउ विद 28,000 टन ऑफ मशरूम 2021 में प्रोड्यूस किया है हमारा प्यारा बिहार ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, वेयर वॉज अ बिहार इन्वेस्टर समिट 2020 हेल्ड, ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। ये इसका पर्पस क्या था? टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स टू बिहार। सेकेंड, इट वॉज
अटेंडेड बाय 110 रेप्यूटेड कंपनी। इस मतलब बिहार सबमिट में 110 रेप्यूटेड कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। वो कंपनी रिलेटेड थी फूड मैन्युफैक्चरिंग से, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से, टूरिस्ट सेक्टर से, मेनली ये सब कंपनी रिलेटेड थी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स टू बिहार पर्पस 110 रेप्यूटेड कंपनी में एस्टैब्लिश किया गया, मतलब पार्टिसिपेट किया था, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म सेक्टर, दीज आर रिलेटेड। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस अल्बेंडाजोल इज बीइंग गिवन। अल्बेंडाजोल क्यों दिया जाता है? अल्बेंडाजोल फॉर डीवॉर्मिंग इन चिल्ड्रन। सबसे पहला बात देखो, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द वॉर्म इन्फेक्शन, कंट्रोल द वॉर्म इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है इन ऑल चिल्ड्रन, इन ऑल चिल्ड्रन। सबसे पहला हुआ। और एक तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, नेशनल नेशनल डिवॉर्मिंग डे, नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। दो साल में दो बार, मतलब एक साल में दो बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक तुम्हारा 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और एक तुम्हारा 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये 2015 से स्टार्ट किया गया था, 2015 से स्टार्ट किया गया था। चलो आगे देखते हैं। देखो अल्बेंडाजोल क्यों दिया जाता है, टू कंट्रोल द वॉर्म इन्फेक्शन इन ऑल चिल्ड्रन। सबसे पहला, नेशनल डिवॉर्मिंग डे स्टैब्लिश हुआ था 2015 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये 10 फरवरी और 10 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इट एम इज टू इरेडिकेट द इंटेस्टाइनल वॉर्म को इरेडिकेट करना, ठीक है। हु हैज रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर मधुबनी पेंटिंग, तो हमारा आंसर है विभा लाल। विभा लाल को नेशनल अवार्ड मधुबनी पेंटिंग दिया गया है फॉर हिज वर्क। इनको उनका वर्क कौन सा था, कृष्णा लीला, कृष्णा लीला, आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। इनको नेशनल स्टेट अवार्ड मिला गया 2009 में एंड बिहार आर्ट अवार्ड मिला गया 2012 में अवार्डेड मिथिला पेंटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ बिहार बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एम्बेसडर, किसको अपॉइंट किया गया है? तो हमारा आंसर है डी, मैथिली ठाकुर को, मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार खादी हैंडलूम का। मैथिली ठाकुर हैज बीन मेड द एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। From which of the following district of Bihar, CRPF Cobra Battalion has uncovered a hideout and recovered the arms of CPI Maoist organization? बोला गया है, ये जो हमारा CRPF Cobra Battalion है ना, उसने जगह का खोज निकाला है जहाँ जो Maoist नक्सली लोग मतलब रहते था, ठीक है। वो कौन सा जगह है? तो हमारा है मुंगेर। आंसर क्या है? मुंगेर। ऑपरेशन शैडो, ऑपरेशन ऑपरेशन शैडो क्या है, एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है जो सीआरपीएफ कोबरा बटालियन ने कंडक्ट किया था। जो खापरा हिल्स है, खापरा हिल्स के HAPR खापरा हिल्स, ये हमारा पड़ता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से ही किया था मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखो ऑपरेशन शैडो वॉज कंडक्टेड बाय CRPF कोबरा बटालियन, ठीक है, खापरा हिल्स एरिया ऑफ मुंगेर। ये एंटी नेशनल ऑपरेशन था, ये एंटी नेशनल ऑपरेशन था विच वॉज कंडक्टेड बाय CRPF कोबरा बटालियन, ठीक है। वेयर इज द सेकेंड डॉपलर रेडार, सेकेंड डॉपलर रेडार का बात किया गया। सेकेंड डॉपलर रेडार कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, इंस्टॉल किया गया? तो फोरकास्ट द वेदर फोरकास्टिंग, मतलब फोरकास्ट द वेदर चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब वेदर को फोरकास्ट करने के लिए कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो आंसर है हमारा पूर्णिया। हमारा फर्स्ट जो इस्टेब्लिश किया गया था ये कहाँ था फोरकास्ट वेदर करने के लिए डॉपलर रेडार, ये हमारा पटना में किया गया था। कहाँ किया था? पटना में। कोई प्रॉब्लम? चलो देख सकते हो। अंडर विच कंपनी 220 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन विल बी इस्टेब्लिश। तो सबसे पहला एक बांका में एस्टैब्लिश होगा और तुम्हारा जम्मू में है। देख लो, एक बांका में है और एक जमुई में है। बांका में हमारा 75 मेगावाट एस्टैब्लिश होगा
और जमुई में 125 मेगावाट होगा। और उसको स्टैब्लिश करने वाली कंपनी कौन है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये कंपनी है जो स्टैब्लिश करेगी हमारे सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो 200 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन स्टैब्लिश होगा बांका में 75 का और जम्मू में 125 का। ये सब क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत करंट अफेयर्स है। मैं चाहता हूँ कि पूरा जनवरी से लेकर जुलाई तक, जुलाई नहीं अगस्त तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का करंट अफेयर्स। मैं पूरा एक पेप मेरा पार्ट वन वीडियो है, पार्ट टू मैं सेकंड में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को इनिशिएटिव मेरा कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई, इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड होप फॉर द बेस्ट।